जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जैसे ही रिक्रूटमेंट लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद कुछ एस्पिरेंट्स का ये भी कहना है कि एज रिलैक्सेशन की डिमांड भी जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि एक तो इतने लंबे समय बाद जो है वो लिस्ट जारी की गई, और उसके बाद जो है वो एज रिलैक्सेशन की भी बात फिलहाल की जा रही है कि इन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, जिसको लेकर लंबे समय से प्रोटेस्ट जो है वो होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले हेड कॉन्स्टेबल की बात की जाए, उसको लेकर भी आपने देखा कि प्रदर्शन जारी थे, और उसके बाद अब सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो इसको लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं मांग इनकी बढ़ती नजर आ रही है। क्या इसको लेकर कहेंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सब इंस्पेक्टर में एज रिलैक्सेशन की बात जो है वो लगातार आप कर रहे हैं कि डिमांड है कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे फिर? हाँ, ये हमारी जेनुइन डिमांड है। हम चाहते हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन जो मिलनी चाहिए, उसके कुछ ग्राउंड्स भी हैं। ग्राउंड्स अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर जो एक कह सकते हो कि पिछले काफी लंबे समय से डिस्टर्ब स्टेट रहा है। पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, किस तरह से आतंकवाद पीड़ित स्टेट रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आपको मालूम ही है बेरोजगारी का आलम क्या है। हम पिछले 2-3 साल से हमारी हरियाणा के साथ लड़ाई लड़ रही है, चल रही है कि नंबर 1 बेरोजगार स्टेट वो है जहाँ हम है। एक तो बेरोजगारी है, इस साल में अगर आप देखोगे एक ही दो नोटिफिकेशन, दो ही तो नोटिफिकेशन JKSSB की तरफ से आई है, और दो अगर नोटिफिकेशन आ रही है तो बच्चे एज रिलैक्सेशन डिमांड तो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात पुलिस, कुछ बच्चों का एक सपना रहता है कि हम पुलिस में जाना चाहते हैं। अगर आप उपयुक्त मौके नहीं बच्चों के दो अगर हमें मिलेंगे तो हम लोग इसकी डिमांड तो करेंगे। दूसरी बात है कि हम वेरिस जो हमारे डेलीगेशन जाकर के LG सबको मिलकर के आए हैं, कुछ दिन पहले रंधावा साहब गए, और कल परसों ही हमारी बात जो MP खटाना जी से हुई है, उन्होंने भी हमें इंश्योर किया है कि आपकी जो 5 साल की जो रिलैक्सेशन की डिमांड है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब मसला ये है कि हम यहाँ पर पार्कों में आकर के मीडिया कर्मियों से बात करके हम अपना समय वेस्ट करते हैं, पैसे ही वेस्ट करते हैं, आपको मालूम है। हम ये कहना चाहते हैं कि LG साहब, इसको आप जल्दी से जल्दी अमल में लाएं, इस चीज को आप जल्दी से जल्दी एक लिखित ऑर्डर पास करें। आपके आपके कलम में इतनी शक्ति है। अगर उम्र सरकार की तरफ से जो देखो, अब जो त्रिकोणीय का मुकाबला, उम्र सरकार कह रही है कि दे दो आप 5 ईयर 1 टाइम एज रिलैक्सेशन बच्चों को दे दो, वो उधर से BJP जो हमारे MLA वो भी कह रहे दे दो, MP साहब भी कह रहे। अब बची LG साहब की बारी। LG साहब का सिर्फ एक साइन कई हजार बच्चों को लीव दे सकता है। हम LG साहब से कहते हैं, LG साहब इतना समय लग क्यों रहा है? आप कह रहे हो कानूनी सलाह, कानूनी सलाह लेने में इतना समय क्यों? बच्चों से बड़ा इंपॉर्टेंट, युवाओं इस वक्त पूरे भारत में यूथ से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है जो बेरोजगारी का आलम बना हुआ है। तो इस पर आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए अपनी, ताकि हम भी लोग अपने घर बैठ करके एज इलेक्शन की आराम से तैयारी करें। दूसरी बात, सिर्फ JKPSA की बात आप देखिए, आने वाले दिनों में जिस तरीके से कभी एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी कि पाइपलाइन में इतनी पोस्टें हैं, हम ये कह रहे हैं पाइपलाइन में जितनी पोस्टें उनको एक ही बार प्रेशर मारो ताकि वो सारी पोस्टें बाहर आए। और जैसे ही वो पोस्टें बाहर आएंगी, उनमें नायब तहसीलदार भी होगा, उनमें पटवारी भी होगा, उनमें टीचर भी होगा। आप देखिए फिर दोबारा वही धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये साल भी बच्चों को निकल गया, वो बच्चे भी एज इलेक्शन की डिमांड करेंगे, कहेंगे 10 साल से पोस्टें नहीं आई है, 12 साल से पोस्टें नहीं आई है। मसला ये है कि टाइम शेड्यूल कोई नहीं है, बस किस बच्चा रहा है, किस यूथ रहा है। क्योंकि यूथ अब जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का सेटअप है, हम लोगों का जो है गवर्नमेंट नौकरी पर ही हमारा गुजर बसर है। आप देख सकते हो 70% जो हमारी डेमोग्राफी है, आप देख लो जहां पर जाकर के कितने लोग पहाड़ों में बसते हैं, कंडी बेल्ट है, यहाँ पर बॉर्डर एरिया, आए दिन शेलिंग पहले होती रहती थी। तो जम्मू कश्मीर दिल्ली के जैसा या बेंगलोर के जैसा उतना फास्ट स्टेट नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतनी ही है। तो जम्मू कश्मीर का युवा नौकरी के लिए तड़फेगा, तो कितने लोग रेड़ियां लगा लेंगे? पढ़ लिख करके कोई MA MPhil PhD करके रेड़ी तो लगाएगा नहीं, सरकारी नौकरी में ही है तो उनका उन्होंने अपनी किस्मत अजमानी है। तो उसमें भी अगर हम कोई जेनुअन डिमांड कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई देरी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप 5 ईयर के आपने 35 साल देखा होगा कि इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन दिया KSE एग्जाम्स में, अगर KS के जो JKPSC में KPS भी लगेंगे, 3537 का DSP भी लगेगा, वो भी वैसे ही दौड़ेगा, वैसे ही ट्रेनिंग करेगा, वैसे ही ऑपरेशन में शामिल होगा। तो 5 साल अगर आप एज रिलैक्सेशन दोगे, 28 28 प्लस 5 33, तो 33 साल का बच्चा क्यों नहीं उन ऑपरेशन में जा सकता? वो तो और ज्यादा उससे 4 साल पहले तंदुरुस्त ताजा होगा। तो हम जो LG साहब से कहते हैं कि LG साहब जल्दी से जल्दी इस पर मोहर लगाइए और हमें रिलीफ दीजिए। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने लंबे समय से इंतजार किया, रिक्रूटमेंट लिस्ट आए, जब आप एलिजिबल थे तब आपने इंतजार किया, अब आप जब लिस्ट आई है तो आप एलिजिबल नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है एज रिलैक्सेशन की मांग जो लंबे समय से कर रहे हैं, लिस्टें या तो टाइम पर निकालनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनका उनकी उम्र रह जाती है, वो एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखो मैम, डिमांड तो हमारी जब कांस्टेबल के साथ ही चल रही थी इसकी, पर कांस्टेबल में हम शायद थोड़ा लेट हो गए थे, और उसके एडमिट कार्ड फॉर्म शूम सब, इसकी नोटिफिकेशन हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जल्दी ये निकाल देंगे, क्योंकि कांस्टेबल का प्रोसेस उस टाइम चल रहा था। इसी के बीच में इन्होंने SI की नोटिफिकेशन निकाल दी, पर हमें मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें एज रिलैक्सेशन के साथ ही निकालेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं मैम।
तो इससे पहले भी हम सीएम सर से मिले थे, ये नोटिफिकेशन निकलने से पहले उन्होंने श्योर किया था हम करेंगे आपका कैबिनेट में बात, उन्होंने कैबिनेट बात उठाई भी थी। तो उन्होंने जब उनसे मिलने जाते वो कहते हमने तो भेज दिया, बाकी आप होम डिपार्टमेंट एलजी सर के पास है वो देखेंगे। तो जब फिर बिजी वाले हमारे जो बीजेपी लीडर हैं जो 28 MLA हैं, उन्होंने भी काफी अप्रोच लगाई एलजी सर के पास, हमारे मेमोरेंडम वहाँ पे पहुंचाए, हम खुद भी मिलने गए हैं मैम। अभी जस्ट रिसेंटली हम गए थे उसके साथ, उन्होंने अश्योर किया था। अभी 9 सितंबर को हमारी एक डेलीगेशन पहले भी गई थी, उस टाइम भी एलजी सर ने अश्योर किया था कि हम पीएसए में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद मैम हमारे अभी परसों ही कुछ बच्चे थे, हमारी डेलीगेशन थी वो गई थी एमपी खटाना सर के पास, उन्होंने भी अपना मेमोरेंडम एलजी सर को भेजा था, उनसे बात भी की थी यहाँ पे, तो उस टाइम भी उन्होंने अश्योर किया। तो हम चाहते हैं कि अगर आपका क्लियर है कि एज रिडक्शन देनी है, अगर आपका सब कुछ क्लियर है, तो प्लीज 5 साल की एलिगेशन प्रोवाइड कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऐसे हम पार्कों में आएंगे पढ़ने का टाइम हम भी यूथ हैं, वेस्ट करें क्योंकि बिल्कुल वेस्ट है मैम। कुछ बच्चे तो यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी 28 साल एक दिन ऊपर है, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी जिन्होंने पिछले साल 26 के थे, तो अब 4-5 साल बर्बाद हो गए, अब वो 32-33 हो रहे हैं, वो भी बच्चे हैं मैम। अब उनका कसूर तो नहीं, अगर टाइमली रिक्रूटमेंट आती तो वो भी भर लेते फॉर्म। तो मैम ऐसा ऐसा हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी सर से, एक रिक्वेस्ट है प्लीज, अब अगर आपके पास इतनी डेलीगेशन आई है आप उसको एक अपने संज्ञान में लीजिए और जल्दी से जल्दी उसको एक एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर या कुछ निकाल कर बच्चे को रिलैक्स करिए और बच्चे अपनी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे, फोकस हो, और इस तरह पार्कों में आके मीडिया बाइट ना दे। तो मैं रिक्वेस्ट आपके मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई एक कोई फैसला लीजिए इस एज रिलैक्सेशन। जो लगातार इस चीज को लेकर एज रिलैक्सेशन को लेकर मांग फिलहाल तेज होती नजर आ रही है, तो तस्वीरें भी आपने स्क्रीन पर देखी हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले टाइम मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।